सब लोगों का स्वागत है माइनक्राफ्ट की एक न्यू वीडियो में। और आज की जो वीडियो है ये है स्काई ब्लॉक के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है अपनी जो गेमिंग आर्मी है वो होने वाली है बनके, यानी कि आज अपनी आर्मी में बनके सोल्जर होने वाले हैं। यानी कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ तब है 990 है, और अब जब तक ये वीडियो पहुँचेगी तब तक कितने हो जाएंगे वो नहीं पता है। लेकिन हाँ, वीडियो पहुँचने के बाद आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आज के आज वीडियो पहुँचने के एक घंटे के अंदर ही आप लोगों को पूरे के पूरे 1000 सब कंप्लीट कराने हैं। और गाइस, तो अगर आज तक आपने मेरी वीडियो कभी शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो आज तो करना बनता है गाइस। तो आज आपका फॉलो का बटन, आज आपका शेयर का बटन दबना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप वीडियो मिलेगी आपको 4 बजे, और उसके बाद 1 घंटे में आपको 10 सब्सक्राइब बढ़ाने किसी भी तरह से। तो गाइस, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं पहले बताऊँ आज मैंने किया क्या। पहले मैंने ये बेस अपडेट किया है अपना, जो कि 100% हो चुका है, यानी जो इसमें मेंटेनेंस चल रहा था वो। और ये मैं चेस्ट बाद में दिखाऊंगा ये किस काम की है, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि बेस अंदर से कैसा हो गया है। बेस से मैं ये बोर्ड लगी रहने दूंगा, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं ऊपर का जो है एंड सब कुछ बदल गया है, पूरा का पूरा बोर्ड से हो चुका है एकदम, ये हो चुका है रूई का घर, जिसमें अगर पानी गिर जाए तो बंद सिकुड़ जाएगा। ओके, तो लेकिन ये रियल लाइफ नहीं है इसलिए कुछ नहीं होगा, इसमें से पानी तो ऑलरेडी बरस ही रहा है गाइस। तो ये हो गया अपना बैस, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ, आज मैंने डेजर्ट बायोम का खात्मा कर दिया, अभी न्यू बायोम आ चुकी है। और ये कौन सी न्यू बायोम है पता नहीं, वो बाद में देखेंगे। और जो डेजर्ट बायोम जो थोड़ी बहुत बची थी उससे मैंने इतना कुछ माल निकाल लिया, आप लोग देख सकते हैं। 8 इमरल्ड हैं, और भाई मेरे को ये नहीं समझ में, मेरे को यूजलेस चीज़ें क्यों दी जा रही हैं। अभी ये बताओ मेरे पास इसका क्या यूज है, डायमंड हो सकता है, चलो मैं लगा दूंगा, लेकिन जाऊंगा कहाँ, यहाँ से जंप लगा के अगर कहीं पे मैं जैसे रियल वर्ल्ड होता उसमें जा सकता हूँ अगर घोड़े बैठ के, तो मैं चला जाता तो यूज का था। आप देख सकते ना सैडल, इतने सैडल भाई रियल जब माइनक्राफ्ट सर्वाइवल करते उतने में नहीं, उसमें भी नहीं मिलते जितने यहाँ पे मिल गए। तो गाइस, ये हो गया आज का काम कंप्लीट। अभी देखो ये पहला ब्लॉक है जो न्यू बायोम स्टार्ट हुई, वो कौन सी बायोम स्टार्ट हुई तो उसमें कुछ लिख के तो आया था, मैंने समझ में कुछ नहीं आया भाई, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो स्टार्ट करता हूँ माइनिंग करना। तो अभी तो डर्ट ही डर्ट आ रही है। ओके, तो ये जंगल बायोम चालू हो गई है, जैसा आप देख सकते हैं ये जो है ये जंगल में ही होता है, ठीक है। तो जंगल बायोम चालू हो चुकी है, और अभी अपने पास क्या है, सीधे इसको माइनिंग करने के अलावा और कुछ नहीं, तो थोड़ा बहुत देखते हैं कि जंगल बायोम में क्या मिलता है। एक सेकेंड, ये अच्छी चीज़ है, इसे मैं ले लेता हूँ, इसमें रखी होगी ना, हाँ ये मैं ले लेता हूँ, वेस्ट नहीं करूँगा इसको, मैं ले लूँगा। ओके, एक सेकेंड, मैंने ये क्यों गिरा दिया, इसको रखो वापस से। ओके, इसको मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरह से अभी, ठीक है, क्योंकि डेकोरेट करने के काम में आएगा गाइस, आप लोग तो जानते हैं कितना अच्छा होता है ये, ठीक है। तो ये तो हो चुका है, एक ही मिली है, अभी हम और ढूंढ लेंगे लीफ। तो जंगल वायम तो अपनी स्टार्ट, वो भाई यार गलती हो गई, थोड़ा सा फास्ट था, मैं बिजी था बात करने में। ये देख सकते हैं आप लोगों को कि ये जंगल टेम्पल में जैसे कि कब्र स्टोन होते हैं वो वाले कब्र स्टोन हमको मिल रहे हैं। एक सेकेंड, मैंने फिर से 2 बार मैं तोड़ चुका हूँ, बहुत से भी मैं सोच के करूँगा। एक सेकेंड, मरा, ओ भाई ये क्या सीन था, यहाँ पे क्रीपर भी स्पॉन होंगे। खैर, अपना जो कुछ भी था नीचे गिरा होगा, हाँ तो वो कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ होगा वो फटता रहेगा, नीचे गिरता रहेगा, अपना जो है कुछ नहीं होने वाला है। क्रीपर फटे चाहे क्रीपर मरे चाहे क्रीपर ऊपर से अंतरिक्ष से गिरे, फिर देखो मैंने बातों में फिर तोड़ दिया। एक सेकेंड, वाओ, अभी अपने लोगों को मिलने वाला है ये, भाई टूट जा। ओके, तो नीचे गिरा ना, ओके ठीक है। तो अभी अपना जो है थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है स्काई ब्लॉक की सीरीज, क्योंकि अभी इसमें हम लोगों को मिल चुका। एक सेकेंड, मैं फिर से यार मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ठीक है बढ़िया हुआ जो वो गिर गया, बढ़िया ही हुआ, क्योंकि इसके बदले में हमें एक सैम्पलिंग मिल गई है, तो ठीक है सैम्पलिंग हम यूज़ कर लेंगे। तो क्या इसमें बेकार पत्तियाँ तोड़ रहा हूँ, सैम्पलिंग सीधे तोड़ते हैं ना, सैम्पलिंग मिल जाएगी उसमें, और एक सैम्पलिंग मिल गई मैं अभी बाद में लगा दूंगा, लगाता तो बाद में रहूँगा, वो हो जाएगी कल परसों तक। एक सेकेंड, पांडा, तो एक बार फिर से पांडा का हम स्वागत करते हैं इस वाली सीरीज में भी, तो इसको हम वेलकम करते हैं, बुलाते हैं अपने इस साइड। तो इस साइड बुलाने के लिए हमें क्या करना है, इसको डर्ट से जोड़ देना है कुछ इस तरह से। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम, तो मैंने भाई वेलकम कर दिया, इतना बहुत वेलकम हो गया, अभी ये खुद चला जाएगा जहाँ कहीं जाना होगा। तो मैं निकाल लेता हूँ एक दो जितनी निकलती हैं, उसके बाद जो अपनी माइनिंग कंटिन्यू करते हैं।
एक सेकंड फिर से आ गई, तो इस बार मैं होश में था जो कि मैं ये सब तोड़ दूंगा और बदले में निकाल लूँगा। तो एक सेकंड फिर से वही चीज़। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी इंटरेस्टिंग आइटम जो है ये हम लोगों को मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोगों को ये सब मिल रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इससे पहले ये उठा लेना, मैं सब उठा लेता हूँ नीचे से। ओके गाइस, तो ये हो चुका है अपना काम। अभी मैं थोड़ी सी और माइनिंग करता हूँ जो कि मैं स्किप कर दूँगा क्योंकि आप लोग बोर होने लगोगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि ये जो अपना पांडा है, एक सेकंड, ये बाहर नहीं जा पा रहा है, तो इसको मैं बाहर भेजने की जुगाड़ लगाता हूँ। वो जुगाड़ कैसे लगेगी वो मैं बताता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली ये तोड़ूँगा। एक सेकेंड भाई यार, चला गया नीचे। कोई नहीं, अब यहाँ से जा सकता है ये, लेकिन इसको बताना पड़ेगा कि भाई उधर है रास्ता जाने का, चला जा। एक सेकंड, मैं इसको गन्ना दिखा के बुला सकता हूँ सर। एक सेकंड, रात हो गई है, रात में क्रीपर स्पॉन होने लगेंगे। हार्डनेस लेवल 2000% है, तो जल्दी से चलते हैं। पहले तो सो के आते हैं क्योंकि सोना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अभी इस टाइम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पंडा फट जाए, अपना मर जाए, तो इस वजह से। ओके गाइस, तो अभी जो है हम सो चुके हैं और सुबह भी हो चुकी है। ओके गाइस, तो अभी हम वापस चलते हैं जहाँ से हम आए थे। ओके, पांडा अपना है ना जिंदा, मर तो नहीं गया। ओके पांडा भाई, हेलो पांडा भाई, इधर आइए पांडा भाई। ये देख सकते हैं आप लोग, पांडा भाई आ चुके हैं एक गन्ने के लालच में। पर मैं दूंगा नहीं, मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा। एक्चुअली मैं इसको गन्ना क्यों बोल रहा हूँ, ये बम्बू है भाई, मैं इसको गन्ना बोल रहा हूँ, मैं भी क्या बकने लगता हूँ। ओके, तो मैं अभी माइनिंग करता हूँ थोड़ी देर और। ओके गाइस, तो मैंने सोचा था कि जंगल में स्टार्ट हो गई तो क्रीपर वीपर जो है कम आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्रीपर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बार फिर से फट चुका है यहाँ पे क्रीपर, और उससे क्या हुआ है अपना नुकसान आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ से खड़ा होकर करने वाला हूँ जो कुछ भी करूँगा, जितना रेडियस होगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने माइनिंग कर ली है थोड़ी बहुत, और मैंने एक सैम्पलिंग निकाल ली है और दो बम्बू और निकाल लिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, सैम्पलिंग को लगा देता हूँ, सैम्पलिंग को बड़ा करूँगा, ठीक है। और उसकी बात क्या करूँगा, इससे और ज़्यादा सैम्पलिंग निकालूँगा और उसका मैं यूज करूँगा, और थोड़ा सा डेकोरेशन में और जो और कुछ हो सकता है वो करेंगे। और जितने यहाँ पे घोड़े घूम रहे हैं ना गाइस, तो वो सारे घोड़े जो है ना मैं टैम कर लूँगा, ना कि यूजलेस पर्पज के लिए, जिसका कोई यूज नहीं होगा। लेकिन अपने पास अगर रिसोर्सेज है तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार धाड़ चल रही है, तो आप देख सकते हैं ये क्या तगड़ी वाली मार पड़ी है, बेचारी मर गई। चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है। आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आज तो भाई अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।